सुधा पटवाल ने कैसे मौत की साजिश रची और कर दी हत्या युद्धवीर की। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी घटना को। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की रहने वाली सुधा का परिवार कई साल पहले मेरठ में आकर बस गया था। मेरठ आने के बाद सुधा ने देहरादून के रहने वाले देवराज पटवाल से विवाह कर लिया था। देवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो चलाता ही था, साथ ही कंप्यूटर का बिजनेस भी करता था। वह बड़े बड़े व्यापारिक और सरकारी संस्थानों में कंप्यूटर सप्लाई करता था। सुधा बेहद महत्वाकांक्षी और शातिर दिमाग वाली महिला थी। अंग्रेजी के अलावा फेरेंच पर भी उसकी अच्छी पकड़ थी। जिंदगी को जीने का उसका अपना एक अलग ही अंदाज था। उसे रसूख भी पसंद था और ऊंचे ओहदे वाले लोगों से रिश्ता भी। इसके लिए वह कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके रसूख वाले लोगों से संपर्क बनाने लगी। पैसे कमाने के लिए सुधा पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ छात्र छात्राओं के बड़े कॉलेजों में एडमिशन कराने लगी। करीब 4 साल पहले सुधा के पति देवराज को लकवा मार गया, जिससे वह चलने फिरने में लाचार हो गया। इसका असर उसके बिजनेस पर पड़ा। घटते घटते एक दिन ऐसा आया कि उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया। पति के बिस्तर पर पड़ने के बाद सुधा आजाद हो गई। दौड़ धूप करके उसने तमाम छोटे बड़े नेताओं से संबंध बना लिए। इसका उसे लाभ भी मिलने लगा। संपर्कों की ही वजह से उसका दलाली का काम बढ़िया चल निकला। अब सब कुछ सुधा के हाथ में था। उसकी एक बेटी थी जो दिल्ली से बीटेक कर रही थी। वह बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती थी। सुधा की पकड़ मोहल्ले से लेकर सत्ता के गलियारों तक हो गई थी। दलाली की कमाई से वह ठाटबाद से रह रही थी। इंदिरा नगर की वह जिस कोठी में रहती थी उसका किराया 20,000 रुपए महीने था। ऐशो आराम की जिंदगी के लिए वह पैसा पानी की तरह बहाती थी। लोगों पर रौब दिखाने के लिए वह नेताओं से अपने संबंधों की धमकी देती थी। हरक सिंह रावत के यहाँ भी सुधा का आना जाना था। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात युद्धवीर से हुई, तो बातचीत में पता चला कि वह भी एडमिशन कराता है। दोनों की राह एक थी, इसलिए उनमें अच्छी पटने लगी। जुलाई में युद्धवीर ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने की बात की, तो उसने 60 लाख रुपए मांगे। युद्धवीर ने एडमिशन कराने के लिए 14 लाख रुपए एडवांस के रूप में सुधा को दे दिए। लेकिन दिक्कत तब आई जब एडमिशन नहीं हुआ। ये 14 लाख रुपए बलराज के थे। वह अपने रुपए वापस मांगने लगा तो युद्धवीर सुधा को टोकने लगा। सुधा इस पेशे की खिलाड़ी थी। ऐसे लोगों को टरकाना उसे अच्छी तरह आता था। इसी तरह के एक मामले में उस पर थाना पिलखुआ में ठगी का एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। लॉबिस्ट के रूप में उसकी पहचान बन चुकी थी, इसलिए तमाम लोग उसके पास एडमिशन के लिए आते रहते थे। ऐसे में इस तरह की बातें उसके लिए आम थीं। हरिओम वशिष्ठ भी उसका ऐसा ही शिकार था। सुधा से उसकी मुलाकात मेरठ में हुई थी। बातचीत में उसने हरिओम से देहरादून में प्रॉपर्टी में पैसा लगाने को कहा। सुधा की बातचीत और ठाटबात से हरिओम समझ गया कि यह बेहद प्रभावशाली महिला है। कुछ महीने पहले देहरादून के झाझरा इलाके में 4 बीघा जमीन दिलाने के नाम पर सुधा ने हरिओम से 8 लाख रुपए ले लिए। बाद में जमीन के कागज फर्जी निकले तो हरिओम को अपने ठगे जाने का जानकारी हुआ। उसने सुधा से रुपए मांगे तो वह उसे टरकाने लगी। लेकिन हरिओम भी कमजोर नहीं था, वह उसके पीछे पड़ गया। मजबूर होकर सुधा ने गहने बेचकर उसके 3 लाख रुपए लौटाए, बाकी रुपए देने का वादा कर लिया। हरिओम को सुधा झेल ही रही थी। अब युद्धवीर वाला मामला भी फंस गया था। दोनों ही पैसे वापस करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। हरिओम रकम डूबने से काफी खफा था। वैसे तो इस तरह के मामले सुधा अपने रसूख के बल पर दबा देती थी, लेकिन युद्धवीर और हरिओम का मामला ऐसा था जिसमें उसका रसूख काम नहीं कर रहा था। उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब जुलाई के अंतिम सप्ताह में हरिओम ने उसे फोन करके पैसे वापस करने के लिए धमकी दे दी। हरिओम की धमकी से सुधा की चिंता बढ़ गई। वह समझ गई कि अगर उसने हरिओम के पैसे नहीं लौटाए तो वह कुछ भी कर सकता है। आदमी के दिमाग में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। परेशानी में दिमाग बचाव के लिए तरह तरह के रास्ते खोजता है। सुधा भी बचाव के लिए दिमाग दौड़ाने लगी। फिर उसके दिमाग में जो आया उससे उसे लगा कि इससे वह सुकून से रह सकेगी। इंसान की फितरत भी है कि वह अपने हिसाब से सिर्फ अपने पक्ष में ही सोचता है। ऐसे में उसे गलत रास्ता भी सही नजर आता है। सुधा के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। सुधा का एक आपराधिक प्रवृत्ति का दोस्त था उमेश चौधरी। वह हरिद्वार के थाना कनखल के रहने वाले मदनपाल का बेटा था। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों में हत्या के 4 मुकदमे दर्ज थे। उमेश की दोस्ती सुधा से भी थी और हरिओम से भी। बात करके सुधा ने युद्धवीर को खत्म करने के लिए उमेश को 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। रकम काम होने के बाद देना था। उमेश तैयार हो गया तो सुधा ने कहा, तुम्हें हरिओम के साथ ही देहरादून आना है, लेकिन तुम इस बारे में उसे कुछ नहीं बताओगे। सुपारी ली है मैडम तो बात भी मानूंगा, उमेश ने कहा।
इसके बाद सुधा ने हरिओम को फोन किया, 1 अगस्त को तुम देहरादून आ जाना, इंतजाम करके तुम्हारे पैसे दे दूंगी। सुधा की इस बात से खुश होकर हरिओम ने कहा, इस बार मुझे मेरे पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है हरिओम, मैं खुद ही तुम्हारे पैसे दे देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। और हाँ, तुम एक काम करना। क्या? आते समय अपने साथ उमेश को भी लेते आना। ठीक है। इसके बाद फोन काट दिया गया। 1 अगस्त को हरिओम अपनी स्कॉर्पियो से पहले हरिद्वार पहुंचा और वहां से उमेश को लेकर देहरादून पहुंच गया। वह उमेश के साथ त्यागी रोड स्थित एक होटल में ठहरा। सुधा हरिओम से मिलने आई तो 3-4 दिनों में उसने रुपए देने की बात कही। इसके बाद भी सुधा की हरिओम से मोबाइल पर तो बात होती ही रहती थी, वह उससे मिलने भी आती रही। वह हरिओम को एक एक दिन करके टाल रही थी। 8 अगस्त को हरिओम ने हरिद्वार के रहने वाले अपने दोस्त संजीव को फोन करके बुला लिया। उसी दिन सुधा ने हरिओम को बताया कि उसे युद्धवीर की हत्या करनी है, क्योंकि युद्धवीर को 14 लाख रुपए वापस करने हैं। अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह उसकी हत्या करा देगा। इस काम में उसे उसका साथ देना होगा। इसके बाद वह उसके बाकी पैसे वापस कर देगी। उसी बीच उमेश ने सुधा का समर्थन करते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है यार हरिओम, मुझे इस काम के लिए मैडम ने 5 लाख रुपए देने को कहा है, काम होने पर उसमें से मैं आधे तुम्हें दे दूंगा, इसके अलावा तुम्हें अपनी डूबी रकम भी मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें मैडम का साथ देना चाहिए। हरिओम इस बात से बेखबर था कि युद्धवीर की हत्या का उमेश से पहले ही सौदा हो चुका है। आखिर कुछ देर की बातचीत के बाद हरिओम साथ देने को तैयार हो गया। सुधा का सोचना था कि युद्धवीर की हत्या के बाद उसे 14 लाख रुपए वापस नहीं करने पड़ेंगे, इसके अलावा अगर युद्धवीर का लाया एडमिशन हो गया तो 60 लाख में से बाकी के 46 लाख रुपए भी उसे मिल जाएंगे। इसके बाद वह हरिओम को भी ब्लैकमेल करते हुए उसके रुपए देने से मना कर देगी। 8 अगस्त को बलराज अपने पैसे लेने आया तो युद्धवीर ने सुधा को फोन किया। सुधा ने उसे गुरुद्वारा साहिब पहुंचने को कहा। प्रदीप चौहान ने उसे गुरुद्वारा साहिब छोड़ दिया। इसके बाद सुधा ने उसे चक्राता रोड आने को कहा। उसने हरिओम को भी वहीं बुला लिया था। हरिओम अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो से था, जबकि सुधा अपनी स्कूटी से आई थी। उसने हरिओम का परिचय छद्म नाम से कराते हुए युद्धवीर से कहा, यह अनिल श्रीवास्तव हैं, यही कॉलेज के एडमिशन हेड हैं। इन्हीं को मैंने 14 लाख रुपए दिए थे, हमें राजपुर रोड चलना होगा, वहीं ये हमें पैसे देंगे। युद्धवीर को क्या पता था कि उसे जाल में उलझाया जा रहा है। पैसों के लिए वह साथ चलने को तैयार हो गया। सुधा युद्धवीर को स्कूटी से लेकर आगे आगे चलने लगी तो उसके पीछे पीछे हरिओम भी अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो से चल पड़ा। राजपुर रोड पर आकर सभी रुक गए। सुधा ने अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी और गाड़ी चला रहे हरिओम के बगल वाली सीट पर बैठ गई। युद्धवीर पिछली सीट पर उमेश और संजीव के साथ बैठ गया। स्कॉर्पियो एक बार फिर चल पड़ी। उन लोगों के मन में क्या है युद्धवीर को पता नहीं था। चलते हुए ही युद्धवीर ने रुपए लौटाने की बात शुरू की तो सुधा का चेहरा तमतमा उठा। सुधा के इस अंदाज और अनजान लोगों के साथ होने से युद्धवीर को उस पर शक हुआ तो उसने भागना चाहा, लेकिन स्कॉर्पियो के दरवाजे से सिर टकरा जाने की वजह से वह गाड़ी के अंदर ही गिर गया। तभी उमेश ने उसके गले में रस्सी डालकर एकदम से कस दिया। युद्धवीर जान बचाने के लिए छटपटाया, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ नहीं कर सका। अंत में उसकी मौत हो गई। युद्धवीर की हत्या करके वे उसकी लाश को सहस्रधारा नदी की उफनती धारा में फेंकना चाहते थे। युद्धवीर की लाश को उन्होंने बाएं दरवाजे की ओर इस तरह बैठा दिया कि देखने वाले को लगे कि वह सो रहा है। युद्धवीर के मोबाइल फोन जेब से निकाल कर स्विच ऑफ कर दिए। रास्ते में एक जगह पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिसे देखकर हरिओम घबरा गया और आगे जाने से मना कर दिया। सुधा और उमेश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और गाड़ी घुमा ली। लौटते हुए ही उन्होंने लाश आनंदमयी आश्रम के पास सड़क के किनारे फेंक दी। सुधा अपनी स्कूटी लेकर अपने घर चली गई, जबकि हरिओम, उमेश और संजीव स्कॉर्पियो से हरिद्वार चले गए। उसके अगले दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से पहाड़ों की रानी मंसूरी जाने वाले राजपुर रोड पर आनंदमयी आश्रम के पास पड़ी लाश पर सुबह सुबह किसी की नजर पड़ी तो धीरे धीरे वहां भीड़ लग गई। एक दूसरे को देखकर उत्सुकतावश लोग वहां रुकने लगे थे। लाश देखकर सभी के चेहरों पर दहशत थी। इसकी वजह यह थी कि लाश देखकर ही लग रहा था कि उसकी हत्या की गई थी। किसी ने लाश पड़ी होने की सूचना थाना राजपुर को दी तो थाना प्रभारी अमरजीत सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। लाश और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू हुआ। मृतक की उम्र 50 साल के आसपास थी। उसके गले पर दबाए जाने का निशान साफ झलक रहा था। इसका मतलब था कि उसकी हत्या गला दबा कर की गई थी। उसकी कनपटी पर भी चोट का निशान था।
मामला हत्या का था और यह भी साफ था कि हत्यारों ने कहीं और हत्या करके शव को यहां लाकर फेंका था, क्योंकि वहां संघर्ष का कोई निशान नहीं था। फिर उस व्यस्त मार्ग पर किसी की हत्या करना भी आसान नहीं था। कब कौन सा मामला पुलिस के लिए महत्वपूर्ण बन जाए, इस बात को खुद पुलिस भी नहीं जानती। हत्या की वारदात में जांच को आगे बढ़ाने के लिए मृतक की पहचान जरूरी होती है, इसलिए सबसे पहले पुलिस ने वहां एकत्र लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए। लेकिन जब कोई उसकी पहचान नहीं कर सका तो पुलिस ने इस आशय से उसकी जेबों की तलाशी ली कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस की यह युक्ति काम कर गई। तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फोन, ATM कार्ड और कुछ कागजात के साथ 5 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट मिला। इस सब से मृतक की पहचान हुई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि मृतक राज्य के रसूखदार कृषि मंत्री हरक सिंह रावत का निजी सचिव रहा था। वैसे तो वह जिला रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक का रहने वाला था, लेकिन देहरादून में वह यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के सरकारी आवास में रहता था। घटना की सूचना पाकर SSP केवल खुराना, SP सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र और CO मंसूरी जया बलूनी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटनास्थल से पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे हथियारों तक पहुंचा जा सकता। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक का नाम युद्धवीर था। चूंकि वह एक मंत्री से जुड़ा था, इसलिए राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। यह 1 अगस्त 2023 की घटना थी। मामला राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा था, इसलिए पुलिस की जवाबदेही बढ़ गई थी। पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू और IG कानून व्यवस्था राम सिंह मीना ने इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। DIG अमित कुमार सिन्हा ने अधीनस्थ अधिकारियों से बातचीत करके जांच में थाना पुलिस की मदद के लिए स्पेशल ऑपरेशन गुरप के प्रभारी रवि सेना को भी टीम के साथ लगा दिया था। सूचना पाकर मृतक युद्धवीर का भाई प्रदीप रावत देहरादून आ गया था, जिसकी ओर से थाना राजपुर में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक की जांच में पता चला था कि युद्धवीर 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करता था। ये दोनों ही नंबर ड्यूअल सिम वाले मोबाइल में उपयोग में लाए जाते थे। पुलिस ने दोनों ही नंबरों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवा ली। पूछताछ में पता चला था कि 9 अगस्त को वह सुबह ही घर से निकल गए थे। चलते समय उन्होंने कोठी के माली का मोबाइल फोन मांग लिया था। ऐसा उन्होंने पहली बार किया था। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की जिनकी युद्धवीर से 8 अगस्त को बात हुई थी। उन्हीं में से एक बलराज था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बलराज ने पुलिस को बताया था कि उसने SGRR मेडिकल कॉलेज में अपनी भांजी का एडमिशन कराने के लिए युद्धवीर से बात की थी। इसके लिए उसने उससे 60 लाख रुपए मांगे थे। उसने उन्हें 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट और 14 लाख रुपए नकद दे भी दिए थे। बाकी रकम एडमिशन होने के बाद देनी थी, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ तो वह अपने 14 लाख रुपए वापस मांगने लगा था। उन्हीं पैसों के लिए बलराज भी सुबह उसके पास गया था। तब उसने उससे कहा था कि वह उसका इंतजार करे, आज वह एडमिशन करा कर आएगा या फिर पैसे वापस लेकर आएगा। कई घंटे तक वह उसका इंतजार करता रहा। जब वह नहीं आया तो उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब वह लौट गया था। रात में उसके मोबाइल फोन का स्विच ऑफ हो गया था। आवास पर रहने वाले अन्य लोगों ने भी पुलिस को बताया था कि बलराज वहां आया था। उन्हीं लोगों से पूछताछ में पता चला था कि युद्धवीर दोपहर 2 बजे तक कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के PSO प्रदीप चौहान के साथ था। उसने कहीं जाने की बात कही थी तो प्रदीप चौहान ने उसे 3 बजे के आसपास दरबार साहिब पर छोड़ा था। अंतिम लोकेशन और पूछताछ से पता चला था कि युद्धवीर शाम 6 बजे चक्राता रोड स्थित नटराज सिनेमा के बाहर दिखाई दिया था। मृतक राजनीतिक आदमी से तो जुड़ा ही था, उसका अपना भी राजनीतिक वजूद था। वह रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य और जखोली ब्लॉक का ज्येष्ठ प्रमुख भी रह चुका था। मंत्री हरक सिंह रावत ने भी उसके परिजनों को सांत्वना देकर घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासे का आश्वासन दिया था। हत्या को लेकर रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं हो रही थी। पुलिस को लूटपाट की भी संभावना लग रही थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह माली का मोबाइल फोन मांग कर क्यों ले गया था। पुलिस ने अपना सारा ध्यान इसी बात पर केंद्रित कर दिया। जांच में ये भी पता चला था कि युद्धवीर छात्र छात्राओं के एडमिशन कराने का काम करता था। ऐसे में ये भी संभावना थी कि एडमिशन न होने से खफा होकर किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी हो। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे जिनका माकूल जवाब पुलिस के पास नहीं था। जांच कर रही पुलिस टीम के हाथ एक सबूत ये लगा था कि युद्धवीर को चक्राता रोड पर जब अंतिम बार देखा गया था तब उसके साथ एक महिला थी। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि वह महिला कौन थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की तो उसमें देहरादून के ही पौश इलाके इंदिरानगर की रहने वाली सुधा पटवाल का नंबर सामने आया।
पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो मिली जानकारी चौंकाने वाली थी। सुधा प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन कराने वाली शहर की जानी मानी रसूखदार लॉबिस्ट थी। कई राजनीतिक लोगों से भी उसके घनिष्ठ रिश्ते थे। पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाए। इससे पता चला कि उसके मोबाइल की लोकेशन चक्राता रोड और लाश मिलने के स्थान की भी थी। इसके साथ एक और मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी जिससे सुधा की लगातार बात होती रहती थी। उस नंबर के बारे में पता किया गया तो वह नंबर हरिओम वशिष्ठ उर्फ बिट्टू का निकला। वह उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना नौचंदी के शास्त्री नगर के रहने वाले ब्रजपाल का बेटा था। उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर एक पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ी। आखिर सर्विलांस से मिल रही लोकेशन के आधार पर पुलिस ने सुधा और हरिओम को हिरासत में ले लिया। पहले तो सुधा ने अपने राजनीतिक संपर्कों की धौंस दिखाकर पुलिस को रौब में लेने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पास ऐसे सबूत थे कि उसकी यह धौंस जरा भी नहीं चली। फिर तो पूछताछ में उसने पुलिस के सामने जो खुलासा किया सुनकर पुलिस दंग रह गई। दरअसल युद्धवीर की हत्या की साजिश सुधा ने ही रची थी। उसने शातिर चाल चलकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की थी। युद्धवीर की हत्या कर सुधा निश्चिंत हो गई कि अब उसे किसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसे विश्वास था कि अगर उसका नाम सामने आया भी तो अपने प्रभाव से वह छूट जाएगी, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। हरिओम और सुधा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उमेश को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि संजीव हरिद्वार में अपने खिलाफ पहले से दर्ज छेड़छाड़ के एक मामले की जमानत रद्द करवा कर जेल चला गया। कथा लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई थी। सुधा ने महत्वाकांक्षाओं में जिंदगी को न उलझाया होता और युद्धवीर ने उस पर विश्वास न किया होता तो शायद ये नौबत न आती। सुधा और हरिओम से की गई पूछताछ में युद्धवीर की हत्या की चौंकाने वाली जो कहानी निकलकर सामने आई वह इस प्रकार थी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।